नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है टीकमगढ़ से, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। विद्युत पोल में करंट आने से हुई एक मवेशी की दर्दनाक मौत। विद्युत विभाग की लापरवाही ग्रामीण अंचलों में अक्सर देखने को मिलती है, जिसके चलते कई बड़े हादसे होते हैं। वहीं आज मामला है थाना मोहनगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत बंधा का, जहां मेन चौराहे पर खड़े विद्युत पोल में करंट आने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा कई बार विद्युत वितरण केंद्र बंधा पर की गई थी, लेकिन विद्युत विभाग के लचर रवैये के चलते कोई ध्यान नहीं दिया गया था, जिसको लेकर सुबह लगभग 9 बजे कुछ मवेशी विद्युत पोल के पास से निकल रहे थे, जिनमें से एक मवेशी विद्युत पोल के संपर्क आने से करंट लग गया, जिसे बचाने के लिए ग्रामीणों ने प्रयास तो किया, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गए, तो एक बड़ा हादसा होते होते बचा, जिसकी सूचना जब ग्रामीणों द्वारा बंधा चौकी में की गई तो पुलिस ने पंचनामा बनाकर मवेशियों के मृत को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में विद्युत विभाग की सतर्कता बिल्कुल गुम हो जाती है और वहीं ऐसे हादसे होने की शंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने यहां तक कहा, यदि विद्युत विभाग की लापरवाही स्पष्ट होती है, जब ग्रामीण सुधारने को कहा जाता है तो लाइनमैन द्वारा पैसे की मांग की जाती है और हम लोगों की परेशानी पर ध्यान नहीं दिया जाता। हम लोगों को यह लगता है विद्युत विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ये घटना जब हुई तो आपके सामने देखने को मिलेगा कि 11,000 की लाइन कल उन्होंने जोड़ी है, ठेकेदार के द्वारा कल लाइन जोड़ी गई, और जब ये लाइन जोड़ी गई तो आज स्टेक दो स्टेकें लगी हैं, उससे बिल्कुल लोहे के खंभे छू रहे हैं, और इतना ध्यान में नहीं दिया गया कि यहाँ पर ये तिगेला है और यहाँ पर लोग 24 घंटे बैठते हैं। यहाँ से लेके करीब जहाँ तक मेन पॉइंट जहाँ से इसको जोड़ा गया है वहाँ तक की स्टेकों में करंट आ रहा है। इसके पहले जब लाइट इसमें आना, ठेकेदार को ये देखना था कि इसमें स्टेकों में करंट ना आ जाए, तो लाइट को चेक कराना था, लेकिन नहीं कराई गई। सुबह से बच्चे और बच्चियाँ बची, इसके बाद में गाय को करंट लगा, तो गांव के हमारे कुछ लोगों ने या राघवेंद्र दांगी बद्दू और संजू ने फोन लगाया, तो वहां पे पावर हाउस में कोई लाइट काटने वाला नहीं था। अगर लाइट काटने वाला होता तो उस समय ये बचाव किया जा सकता था, वो गाय बच सकती थी। कितने बजे की घटना है सर? ये 9 बजे की घटना है। क्या नाम दादा? नाथूराम हैदराबाद। अच्छा, क्या परेशानी? ये परेशानी है साहब, यह कलजिया मोहल्ला पर डीपी लगी, वहाँ करंट आता है, स्टेकों में आता है, और साहब केबिलें गल कर चद्दर पे गिरती हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। लाइनमैन से आज 6 महीना पहले से भौंक रहे हैं, वे लोग सुनते नहीं हैं, वो कहते हैं तो पैसा मांगते हैं साहब। किससे? कौन मांगता है? लाइनमैन। क्या नाम? अब खान साहब हैं एक साहब, हाँ, तो भी पैसा मांगते हैं, ना देखने आते हैं। इतनी बड़ी बस्ती है साहब, हरिजनों बस्ती में, और कोई सुधारने नहीं आता है सर। अपने अपने हाथ लंबी लंबी कनेक्शन डाल के अपनी नहीं, अभी जो आप बता रहे हैं कि करंट आ रहा कि इनमें, हाँ, स्टेकों में करंट आता है, क्या परेशानी? ये परेशानी है कि कभी कोई बाली बच्चा है, कोई लेडीज है, कोई भी आदमी है, या कोई पशु है, कोई भी है, हादसा हो सकता है साहब। अच्छा, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए साहब। जानकारी के हिसाब से है कि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि मतलब एडमिट है, कोई एडमिट नहीं है। जो जो लोग कह रहे हैं हमें करंट लगाओ, वो करंट नहीं लगा था। वो क्या है कि यहाँ के जो गांव वाले हैं, उन गांव वालों ने अपनी डोरी अपनी मनमर्जी के साथ टांग रखी। अब वो क्या होता है कि वो जो उनकी डोरियों में कट रहते हैं, उनको कई बार मना करा कि डोरी कट वाली डोरी आप अपने यहाँ पर मत टांगिए, जो समस्या हमें बता दीजिए, लेकिन हमेशा अपनी हमें समस्या बताते नहीं है, अपने हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। उन्होंने बांस से लेकर टांगी थी, तो एक कट वाली डोरी जो थी वो स्टेक से छू गई थी, तो उस वजह से उसमें करंट आ गया था, उसकी वजह से। फिर हमने बाद में जाके हमें बताया अभी कि ये करंट लगा है, ये कट की लगी थी डोरी से, वजह से करंट आया इसके अंदर। मोहनगढ़ से ऋषि गंगेली की रिपोर्ट।